हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज मैं आपके साथ अन्नकूट की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये सब्जी दिवाली के दूसरे दिन मतलब पड़वी के दिन बनाई जाती है। कुछ लोग अन्नकूट के पहले मेथी, पालक, कद्दू, गोभी, बैंगन नहीं खाते हैं। दिवाली के दूसरे दिन पड़वी से मतलब अन्नकूट से खाना शुरू करते हैं। इस मिक्स सब्जी को राम भाजी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हैं। तो ये मैंने मेथी ली है, इसे हम साफ कर लेंगे। और ये मूली है, इसके पत्ते भी हम यूज़ करेंगे। और ये मैंने दो बैंगन लिए हैं। और ये पालक है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। मूली को हम काट लेंगे। तो पहले हम इसके पत्ते काटेंगे। तो मूली को हम साइड में रख देते हैं और पत्तों को बारीक बारीक काट लेंगे। बहुत सी जगह क्या होता है कि मूली के पत्ते फेंक दिए जाते हैं, लेकिन मूली से भी ज़्यादा पौष्टिक मूली के पत्ते होते हैं। तो मैं इसकी सब्जी भी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। इसलिए आप मूली के पत्तों को फेंके नहीं, इसका यूज़ करें। और अन्नकूट की सब्जी में मूली के पत्ते आप ज़रूर डालें, इससे आपके अन्नकूट की सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये मैंने पत्तों को काट लिया है, अब हम मूली को भी काट लेंगे इसमें ही। तो इसे हम छील लेते हैं। इसके हम छोटे छोटे पीस करके इस तरह से काट लेंगे। ये मैंने मूली को काट लिया है। अब मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली है। तो एक कप मैंने बारीक कटी हुई मूली ली है, एक कप फूलगोभी, एक कप मेथी, दो मीडियम साइज के टमाटर, चार से पांच बारीक कटी हरी मिर्च, एक कप कद्दू, एक कप पालक बारीक कटा हुआ और दो बैंगन। अब इसमें से हम टमाटर और हरी मिर्ची को अभी साइड में रख देते हैं। और जो बाकी सभी सब्जियां हैं उसे हम कुकर में पका लेंगे। तो ये सभी सब्जियों को मैं कुकर में डाल देती हूँ। ये मैंने सभी सब्जियों को डाल दिया है। और इसमें हम एक कप के करीब पानी डालेंगे। पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस हमें थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि ये हरी सब्जियाँ हैं, बहुत जल्दी पक जाती है। तो ये मैं एक बाउल पानी डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दूँगी। सभी सब्जियों को दो सीटी लेकर हम पका लेंगे। ये देखिए, सब्जियाँ बहुत अच्छे से पक चुकी है। हमें इसे बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, हम इसे ऐसा ही रखेंगे। और अब हम इसमें छौंक लगाएंगे। दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा आधा चम्मच राई डालेंगे, आधा चम्मच जीरा, हरी मिर्च और टमाटर डालेंगे। टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। मैंने इसमें चौले नहीं डाले हैं, अगर आपके पास चौला फली है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। अन्नकूट में वही सब्जियां डालती है जो सीज़न की पहली सब्जी होती है। तो मैंने आपको जो स्पेशल अन्नकूट में सब्जियां डाली जाती है, मैंने आपको वही सब्जियां बताई है। बस मेरे पास चौला फली नहीं थी, इसलिए मैंने वो नहीं डाली है। आप चौला फली भी इसमें डाल सकते हैं। टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं, अब हम इसमें सभी मसाले डालेंगे। तो एक चम्मच में इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, दो चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो सब्जियों का कलर चेंज हो जाएगा। 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। सभी मसाले मिक्स करेंगे और 2 मिनट हम मसालों को पका लेंगे। इसमें आधा कप के करीब पानी डालेंगे और एक उबाल आने तक हम इसे पका लेंगे। अब इसमें हम उबली हुई सब्जियां डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम सबसे लास्ट में 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और 2 मिनट हम सब्जी को और पका लेंगे।
गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और हमारी अन्नकूट वाली सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल अन्नकूट की सब्जी जैसा है। तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपकी सब्जी कैसी बनी।